नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर जो है आपके जितने भी HSC एग्ज़ाम होते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव, सब में जो है आपका जो है कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है। और इसलिए जो है आपके पास ये प्रीवियस ईयर के MCQ आए हुए हैं, इनको आप ध्यान से कीजिएगा ताकि जो कंप्यूटर की प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छे से हो जाए। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके पास करवा रही हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देखना कि रिपीटेड जो है आपके पास एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इनसे रिलेट करके आपसे पूछा जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है केस, ऑप्शन डी है स्टाइल्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोसेसर। जो आपका CPU होता है, जिसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है नंबर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है इनपुट, ऑप्शन डी है डाटा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है आपका, उसमें आप प्रोसेस करने के लिए डाटा को ही क्या करते हो, डाटा जो आपने उसमें से, जैसे प्रिंटर में से आपने प्रिंट निकालना है, तो जो आपके पास कलेक्टेड डाटा है आप उसको उसमें इनपुट करोगे, तब जाके आपका आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM क्या होते हैं। ऑप्शन ए है बैंकों की शाखाएँ, ऑप्शन बी है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी है बिना स्टाफ के नकदी देन और ऑप्शन डी है ये सभी, ऑप्शन डी ई है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देन। ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑटोमेटिक जो है टेलर मशीन होते हैं आपके ATM, जिसमें क्या होता है, जिसमें से आप बिना स्टाफ के जो है नकदी लेन देन जो है उसमें से कर सकते हैं, ATM में से, जिसमें आप विड्रॉल करवाते हो अपनी मनी को और उसमें सेव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है डाटा का संग्रह, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ऑप्शन सी है गणना करना, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, जो कंट्रोल यूनिट होता है वही क्या करता है आपका CPU का क्या है, ये भाग है जो उसकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट उनको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए है नेक्स्ट, ऑप्शन बी है की, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी है न्यूमेरिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी है एल्गोरिथम, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है कैलकुलेशंस और ऑप्शन ई है फ्लो चार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट, क्योंकि जो आप जैसे डाटा को कंप्यूटर में डालते हो, जैसे आपका माउस है, माउस क्या है आपका, वो आपका इनपुट है, क्योंकि जिनसे आप क्या करते हो चीज़ों से कंप्यूटर में उनको फीड करते हो, वो बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपका इनपुट होती है। और जो आपके पास उसमें से डाटा, जैसे आपका प्रिंटर निकलता है, वो क्या है आपके पास, वो आपका आउटपुट होता है। स्कैनर क्या है आपका, स्कैनर भी आपका इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट यूनिट और ऑप्शन ई है CPU। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी है पावर मशीन, ऑप्शन सी है मानव मशीन, ऑप्शन डी है विद्युत मशीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर है वो क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है।
ऑप्शन ए है डाटा संकलन करना, ऑप्शन बी है डाटा संचयन, ऑप्शन सी है डाटा संसाधन, ऑप्शन डी है डाटा निर्गमन और ऑप्शन ई है डाटा आकलन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, जो डाटा आकलन है वो कंप्यूटर का जो है कार्य नहीं है। इसमें आपका डाटा संकलन, संचयन, संसाधन, निर्गमन ये चारों के चार आ जाते हैं, आकलन नहीं आता इसमें आपका ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को और ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, जो आपके साइन और जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है आपका डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डाटा को, ऑप्शन बी है संख्याओं को, ऑप्शन सी है चिन्ह को, ऑप्शन डी है एकत्रित डाटा को और ऑप्शन ई है एकत्रित चिन्ह को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है टेप, ऑप्शन डी है एएलयू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एएलयू। एएलयू क्या होता है आपके पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ऑप्शन ए है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी एंड ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है चिप, ऑप्शन बी है बॉक्स, ऑप्शन सी है सर्किट, ऑप्शन डी है पेरिफेरल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सीपीयू है वो क्या है? आपका चिप होता है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, ऑप्शन ए है आंकिक कार्य होता है, ऑप्शन बी है तार्किक कार्य, ऑप्शन सी है डाटा संग्रहण और ऑप्शन डी है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है टर्मिनल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना की ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ऑप्शन ए है गणितीय, ऑप्शन बी है अगणितीय, ऑप्शन सी है विपणन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए है मानव मन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है दोनों में बराबर। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, जो मानव का मन है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है? ऑप्शन ए है अंकगणितीय परिकलन, ऑप्शन बी है दो राशियों के मानों की तुलना, ऑप्शन सी है कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज करना, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ऑप्शन ए है सामान्य, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है निम्न, ऑप्शन डी है औसत और ऑप्शन ई है इनमें से कोई
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है कृत्रिम और ऑप्शन डी है प्रयुक्त सभी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम जो है संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसको जो है कृत्रिम रूप से जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ऑप्शन बी है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ऑप्शन डी है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है? ऑप्शन ए है डाटा का संकलन तथा निवेशन, ऑप्शन बी है डाटा का संचयन, ऑप्शन सी है डाटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ऑप्शन डी है विपणन और ऑप्शन ई है ए बी तथा सी तीनों ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए बी और सी ये क्या हो जाएंगे आपके, तीनों ही आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता डैश है? ऑप्शन ए है सीमित, ऑप्शन बी है असीमित, ऑप्शन सी है निम्न, ऑप्शन डी है उच्च और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमित। जैसे इसमें आपका जितना भी जीबी, आपका जितना भी इसमें एमबी जो है आप स्पेस होता है आप उसको फील करते हो, तो जितना उसकी कैपेसिटी होती है 32 GB हो गया, 64, 128, तो ये क्या है इसका, ये कैपेसिटी सिस्टम है, इसलिए जो है इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है निवेश, ऑप्शन बी है निर्गम, ऑप्शन सी है केंद्रीय संसाधन एकक, ऑप्शन डी है बाह्य स्मृति और ऑप्शन ई है इंटरनेट। राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, जो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कुंजी पटल, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सीपीयू क्या है इसका, जैसे ही इसका नाम सेंट्रल है इसमें, तो कंप्यूटर का क्या हो जाता है, ये नियंत्रक भाग होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है कुंजी पटल, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू कहा जाता है इसके, कंप्यूटर के मस्तिष्क को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, ऑप्शन बी है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ऑप्शन सी है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और ऑप्शन ये फोर आपके पास जो दिया है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। इसमें से आपने बताना है कि सही कूट कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, सभी चारों की, एक जो है भंडारण करने वाली स्टोरेज भी है इसमें, आंकड़ों का क्या है विश्लेषण एनालाइज करती है, गोपनीयता रहती है इसमें प्राइवेसी, और वायरस द्वारा भी क्या होती है कभी कभी जो है इसमें बग जिसको कहा जाता है एक वायरस इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ऑप्शन बी है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ऑप्शन सी है जनशक्ति के प्रशिक्षण की और ऑप्शन डी है एक अत्याधुनिक संरचना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? देखो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, IBPS जो क्लर्क आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ है और SBI एग्ज़ाम में भी आपका ये आया हुआ है।
ऑप्शन ए है अलजैब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है अलजैब्रिक लोकल यूनिट और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर है, जो कंपेयर है वो क्या है आपका। ऑप्शन ए है ए एल यू का अर्थमेटिक कार्य, ऑप्शन बी है ए एल यू का लॉजिकल कार्य, ऑप्शन सी है ए एल यू का इनपुट और आउटपुट कार्य और ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका कंपेयर होता है वो होता है अर्थमेटिक का कार्य होता है, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी कार्य करने का जो है सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है इसके मुख्य घटक हैं, कंट्रोल यूनिट, सीयू, मेमोरी, एएलयू, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, ऑप्शन डी है एल्गोरिदम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट। जब कंप्यूटर में डाटा को बाहर से अंदर सेंड करते हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस डाटा को कहते हैं, ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट, जो डाटा आपका प्रोसेस यानी कि जो आपका कंप्लीट होकर निकलता है उसको आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ऑप्शन ए है लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई भी दिया है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, जो है क्या करता है इन सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य हैं, ऑप्शन ए है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन सी है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ये सभी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ऑप्शन ए है मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी है पेरिफेरल्स द्वारा, ऑप्शन सी है सीपीयू द्वारा, ऑप्शन डी है इनपुट और आउटपुट द्वारा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, सीपीयू द्वारा जो है ये सब आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, ऑप्शन ए है एएलयू जो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है कंट्रोल और ऑप्शन ई है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी कंट्रोल आ जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट क्या है, ऑप्शन ए है वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, ऑप्शन बी है वह जो प्रोसेसर जो है यूज़र को दे, ऑप्शन सी है वह जो प्रोसेसर यूज़र से मिले और ऑप्शन डी है वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आउटपुट, ऑप्शन डी है इनपुट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, ऑप्शन ए है वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल करेक्टर, ऑप्शन सी है ग्राफिक शेप और फिगर, ऑप्शन डी है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, ऑप्शन ए है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी है फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ऑप्शन ए है सूचना रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है डाटा सूचना, ऑप्शन सी है सूचना बिट्स, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड बाइट्स और ऑप्शन ई है बिट्स और बाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी डाटा सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द आवाज इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी है डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइसेस और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग शामिल हैं। ऑप्शन ए है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, ऑप्शन ई है कंट्रोल यूनिट व ईएलयू। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ई, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई कंट्रोल यूनिट व ईएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी है मैक्रोचिप, ऑप्शन सी है मैक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है कैलकुलेटर और ऑप्शन ई है सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी डैश किस मनवे से कार्य करती है। ऑप्शन ए है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन बी है आर ए एम, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है इंटरनल और ऑप्शन ई है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ऑप्शन बी है डाटा जानकारी प्रभावी हेतु स्टोर करना, ऑप्शन सी है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ऑप्शन डी है दोनों ए और सी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ए और सी दोनों, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। ऑप्शन ए है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ऑप्शन बी है डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ऑप्शन सी है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, ऑप्शन डी है डाटा का प्रशेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ऑप्शन ई है उपयुक्त सी और डी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ई, जो सी और डी है आपके पास दोनों आपके आंसर होंगे कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है और डाटा का प्रशेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों और कंप्यूटर पर होते रहते हैं। ऑप्शन ए है प्रणाली बोर्ड, ऑप्शन बी है केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड और ऑप्शन ई है मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन ए यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी बराबर या कम है, ऑप्शन बी है डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार शॉर्ट करते हैं, ऑप्शन सी है एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी है इसमें जमा घटाना गुणा और भाग होता है और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, इसमें जमा घटाना जो आपका अर्थमेटिक ईएलयू होता है उसमें आपका जमा घटाना गुणा और भाग होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। ऑप्शन ए है मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी है सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी है कंप्यूटर सिस्टम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है इंप्यूटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग
ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ई है आउटपुट। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो समझता नहीं है, आप जैसे उसको कंट्रोल करोगे अपने हिसाब से वो कैसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी है सीपीयू और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीपीयू में, क्योंकि इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है और माइक्रोचिप जो है इसका नाम है और अधिकांश जो प्रोसेसिंग होगी वो कहाँ होगी, प्रोसेसर में मीन्स सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है, ऑप्शन ए है लॉगरिथम आधारित, ऑप्शन बी है एएससीआईआई, ऑप्शन सी है एल्गोरिथम आधारित, ऑप्शन डी है अर्थमैटिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन डी अर्थमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, ऑप्शन ए है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ऑप्शन बी है इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन सी है डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन डी है डाटा को स्टोर करना और ऑप्शन ई है टेक्स्ट को स्कैन करना। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ई, जो है बुनियादी कार्य क्या नहीं है, जो आपके पास टेक्स्ट होता है उसको स्कैन करना, ये कंप्यूटर का जो है बुनियादी कार्य नहीं है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।